हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत भी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। खुशखबरी इस बात की दोस्तों कि अब आप अपने घर बैठे वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड अगर नवंबर 2020 के बाद का आपका बना हुआ है दोस्तों, तो आप घर बैठे ही बहुत आसानी तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ना जन सेवा केंद्र जाने की जरूरत है, ना साइबर कैफे जाने की जरूरत है, ना कोई पेमेंट करने की जरूरत। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ईपिक कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल ओपन करना, सिंपल से डेस्कटॉप साइट पे चले जाना। अगर आपने क्रोम अपने अगर लैपटॉप से करें तो सिंपल से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना, सर्च करना वोटर आईडी कार्ड। जैसे आप वोटर आईडी कार्ड सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी NVSP करके, सिंपल से इसी वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपल से आपको मिल जाएगा ईपिक डाउनलोड। ठीक, तो ईपिक डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यूजर नेम डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, देन आपको कैप्चा डालना, लॉगिन कर लेना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पे क्लिक करके एक अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एंड एज एंड न्यू यूजर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देन आपको क्या करना है, इस पे आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। देन मोबाइल नंबर डालने के बाद ईपिक नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, जो भी आपका ईपिक नंबर है। देन आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना, पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना। देन आपको रजिस्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना होगा। यहाँ देख सकते हैं, रिडायरेक्ट टू लॉग इन योर आर रजिस्टर सक्सेसफुल, आप यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल रजिस्टर हो गए हैं। देन आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना हो, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी, कैप्चर को रिफ्रेश भी कर सकते हैं कि अब हमारी यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से रिफ्रेश कर दीजिए। आप कैप्चर को यहाँ पे रिफ्रेश करके देन आपको ये कैप्चा नंबर जो आपको यहाँ पे डाल लेना होगा। चलिए यहाँ पे हमने कैप्चा नंबर डाल लिया। देन आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आप सिंपल से इस वेबसाइट पे लॉगिन हो गए हैं। अब आपको क्या करना, ईपिक डाउनलोड करना, सिंपल से ईपिक वाले ऑप्शन पे आना, ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करना। अब आप यहाँ देखेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर, जब कभी आप ईपिक कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है, ईपिक नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, कौन से स्टेट से आप हैं पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पे ईपिक नंबर डाल देना। जैसे आप ईपिक नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, चलिए हम यहाँ पे ईपिक नंबर डालते हैं। ईपिक नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने ईपिक नंबर डाल दिया। देन आपको क्या करना, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए बफरिंग होगा, सर्च हो रहा दोस्तों, करेंट ईपिक डाउनलोड फैकल्टीज अवेलेबल द इलेक्ट्रिकल रजिस्टर आफ्टर नवंबर 2020। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है दोस्तों वो नवंबर 2020 के बाद बना हुआ तब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उससे पहले बना हुआ तब आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते। दोस्तों हमारे पास नवंबर 2020 के बाद का बना हुआ नहीं है, अगर होता दोस्तों तो मैं आपको लाइव प्रोसेस बिल्कुल दिखाता दोस्तों। अगर आपका नवंबर 2020 के बाद बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड तो आप आसानी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपने दोस्तों सीख लिया होगा कि ईपिक कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं। अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन जो आपके मन का है मैं आपके मन कन्फ्यूजन आपके जो मन का मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बस आपको कमेंट करके पूछना है कि आपके मन का कन्फ्यूजन क्या दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।